रेडमी के नोट 10 प्रो प्रो मैक्स डिवाइस के लिए एक अनदर ह्यूज कस्टमाइजेबल एंड मोस्ट डिमांडिंग टाइप का रोम लेके आया हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिलते हैं इस स्पेशल एडिशन के अंदर ना, जो कि शायद ही आपने पहले एक लंबे टाइम पहले यूज किया होगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से इस टाइप से अपडेट नहीं आ रहे हैं जब से हाइपर ओएस आना चालू हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन देखने को मिलता है, अपने हिसाब से अपने UI को आप कस्टमाइज कर सकते हो अलग अलग लुक में। और हाँ, ये डिवाइस थोड़ा आपको लैग फील कराता है जब आप कस्टमाइजेशन करते हो तो, लेकिन एक बार जैसे ही कस्टमाइजेशन डन कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आपको फुल्ली बेनिफिट मिलने लग जाता है इस रोम का, जो कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ काम करता है। लेकिन वहीं पर आपको जब सेटअप करोगे कुछ चीज़ों का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रोम भी आजकल इस डिवाइस में उतना परफॉर्म नहीं कर पाता, बट फिर भी इतना ह्यूज कस्टमाइजेशन के बाद आपको चीज़ें जो दे रहा है ना, वो रियली में नेक्स्ट लेवल की है। तो चलिए आज के वीडियो में चेकआउट करते हैं हर एक सिंगल डिटेल को। वीडियो में भी हल्का लॉन्ग होगा लेकिन आपको जानना जरूरी है ताकि आप डिसाइड कर पाओ। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। सबसे पहले आप देखो इसका अबाउट सेशन, जहां पे मैंने इसे चेंज कर रखा है और डिफरेंट डिफरेंट आपको लुक मिलते हैं इसके UI को बदलने के, तो जैसे भी आपको चाहिए वैसा आप चेंज कर सकते हो खुद से, जो कि यहां पे आपको डिटेल एंड इन्फो में आपको देखने को मिल जाता है, जो कि हमारा वर्जन है 1.0.18 CN बेस्ड हमारे मेंटेनर का नेम मिलता है, एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है, 3 मंथ का सिक्योरिटी पैच जो कि ज़्यादा पुराना नहीं लेटेस्ट ही है। यहाँ पे कर्नल डिफरेंट यूज करा गया है रेडमी के नोट 10 प्रो के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग के अंदर जो एनिमेशन है वो रियली में काफ़ी कूल है, और यहाँ पे ह्यूज कस्टमाइजेशन जो कि थोड़ी बाद में चेक करेंगे, पहले बेसिक चीज़ों पे नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि एडवांस सेटिंग के अंदर आपको रीजन सारे मिल जाते हैं, जो भी रीजन में रखना है आप रख सकते हो, अच्छी बात है। वही फ्लोटिंग विंडो, मेमोरी एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन ऑन टाइमिंग, और बैटरी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइमिंग भी ऐड करा गया है, तो इससे रिलेटेड आपको दिक्कत नहीं आती। बाकी हम यहाँ पे बॉटम की ओर चलते हैं, और तो आपको देखने को मिल जाता है स्क्रीन लॉक, फेस लॉक वगैरह वर्किंग है, साउंड का प्रोफाइल है, डिस्प्ले के अंदर जो UI का लुक है ये थोड़ा डिफरेंट है, और कलर काफ़ी ज़्यादा पंची है जो कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाकी यहाँ पे डार्क मोड वाले सारे ऐप वर्किंग है, ऑटो ब्राइटनेस आपको यहाँ पे वर्किंग मिल जाता है, यहाँ पे एडवांस टेक्सचर आप ऑन कर सकते हो, रिफ्रेश रेट आपको यहाँ पे मिलता है 60, 90 और 120 का, जो कि आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हो। होम लॉन्चर के अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे होम लॉन्चर में ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया गया ताकि UI थोड़ा स्मूथ फील हो, क्योंकि अगर लॉन्चर के अंदर ज़्यादा चीज़ें ऐड होती है तो UI पे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो ये चलो अच्छा किया गया है। बाकी नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, वही बेसिक से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, पर्सनलाइज भी आपको बेसिक ही मिलता है, हाइपर ओएस वाला इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। सबसे ज़्यादा चेंज आपको मिलता है यहाँ पे, जो कि आपको भाई दिल थाम के बैठना है, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। इस पे जैसे ही टाइप करोगे ये आपको लेकर आ जाता है ऑलवेज शो नोटिफिकेशन के ऊपर, एक्सेस का ऑप्शन, वाइब्रेट का ऑप्शन, चार्जिंग के अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाता है, लॉक स्क्रीन म्यूजिक का ऑप्शन है, म्यूजिक टाइम आउट दिया गया है, वॉल्यूम का यूज करते हुए आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो अपने सॉन्ग वगैरह को, एनिमेशन में अलग अलग स्टाइल दिए गए हैं, तो इतने सारे एनिमेशन स्टाइल है जो कि आपको जो भी चाहिए वो आप रखो और उसी टाइप का आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन सा एनिमेशन है ये, लॉक करने के बाद आपको देखने को मिलता है, तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लॉकिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, उसके ड्यूरेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कितना स्लो में लॉक होगा या कितना फास्ट होगा, ये चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टेटस बार के अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार मोड, उसके बाद एक्स्ट्रा मोड है, और यहाँ पे लैरिक का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो हर एक चीज़ को। एक्स्ट्रा के अंदर आपको बैटरी से रिलेटेड ऑप्शन मिलता है, उसका थिकनेस वगैरह है, उसके पोजीशन वगैरह, स्टाइल वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, चार्जिंग के कलर वगैरह आपको मिल जाता है, सिग्नेचर टेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे खुद से कलर भी कर सकते हो, और पैडिंग कंट्रोल भी दिया गया है। स्टेटस बार के अंदर आपको यहाँ पे टाइम फॉर्मेट आपको मिल जाता है, क्लॉक का ट्रांजिशन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे क्या क्या शो होना चाहिए वो सारे ऑप्शन आप शॉर्टकट ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, यहाँ पे कई सारे लोगो आपको मिल जाते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑन कर रखा है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डेटा टेक्स्ट कैसा रखना है, 4.5 रखना है, 5G, 6G या 69G भी आप फोर्स इनेबल कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई देगा जब आप सिम कार्ड यूज करोगे, तो ये काफ़ी बेहतरीन और भयंकर ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया गया है भाई। बाकी यहाँ पे आपको HD का वोल्टी में चेंज करना, ऑलवेज शो HD, हाइड का ऑप्शन, रीस्टार्ट UI ताकि सारे सेटिंग अप्लाई हो सके, और यह नोटिफिकेशन एंड मीडिया का कस्टमाइजेशन जहाँ कलर नोटिफिकेशन है, एक्सपेंड नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको मिल जाता है, यहाँ पे क्लॉक स्टाइल चेंज करने का, रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पावर मेनू, उसके बाद यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल का स्टाइल, फाइनली एक रीस्टार्ट का, मीडिया कंट्रोल के अंदर यहाँ पे Xiaomi का जो है उसके अलग अलग स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं, स्टाइल 1, 2, मीडिया का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे बार का ऑप्शन है, डायनेमिक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, वेदर का ऑप्शन है, और यहाँ पे प्लस जो इक्वाइजर होता है उसके अंदर डायनेमिक वगैरह और बाकी चीज़ आप बदल सकते हो यहाँ पे, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है।
इसके बाद आता है आइकन स्टाइल, जहाँ पे वाईफाई वोल्टी वो वाईफाई बैटरी साइन वगैरह आप यहाँ पे बदल सकते हो, जो कि नॉर्मली आपने AOSP में यूज कर रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे मिलता है सेटिंग मोड, जिससे आप पूरे सेटिंग के UI में बदलाव ला सकते हो डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे ये यूज कर रहा हूँ, अगर मैं इसे चेंज करता हूँ तो डिफरेंट हो जाएगा, और ये जो गे है ये हमारा हाइपर OS है। इसके बाद अबाउट सेशन कैसा रखना है, ऑक्सीजन OS स्टाइल का है, अभी आप चाहो तो एरोमेट्रिक राइजिंग या फिर डिफॉल्ट MIUI जैसा ही रख सकते हो, यानी हाइपर जैसा। यहाँ पे कस्टम अबाउट सेशन भी आप बदल सकते हो, किस टाइप से होना चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो। यहाँ पे स्पेक्स का है वो आप ओल्ड या न्यू टाइप का, कार्ड व्यूइंग वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, होम्स रिलेटेड भी यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कार्ड से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ आपको दिखाई देगी जब एक बार सेटअप करके आप बैक आओगे और सेटिंग को एक बार फिर से रीस्टार्ट करोगे। देख सकते हो लुक में आपको बदलाव दिखाई दे रहा होगा, और अगर मैं अबाउट सेशन पे आता हूँ तो यहाँ पे आप देखो कि अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, और यहाँ पे देखो इसका मोटिवेशन भी थोड़ा चेंज हो चुका है, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जो कि यार रियली में काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा यहाँ पे सुपर ऐड किया गया है। बस आपको अपने हिसाब से स्टाइल तरीके से यहाँ पे चीज़ें बदलनी है, और एक और आपको जो बस सेटिंग को क्लोज करके रीस्टार्ट करना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें जो देखने को मिलेगी जो भी आपने चेंज कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने चेंज किया कि आप दिखाई देता है, तो यहाँ पे अबाउट पेज बदल चुका है मी अकाउंट का। यहाँ पे आते तो इसका लुक फिर से पूरा बदल चुका है, और अगर हम यहाँ पे टाइप करें ये हमारा मी अकाउंट है, इसे हटाते हैं अबाउट सेशन पे, तो अबाउट कहाँ गया, बॉटम पे आ चुका है, जहाँ पे आप देखोगे कि ये लुक कुछ इस तरीके से आप देखने को मिल रहा है, यानी टॉप से बॉटम पे जा चुका है। यहाँ पे भर भर के कस्टमाइजेशन दिए गए, बस आपको जो कस्टमाइज करना आना चाहिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे कस्टमाइजेशन कर लो। यहाँ पे आपको एनिमेशन वगैरह मिल जाते हैं लिस्ट के, कहाँ कहाँ पे एनिमेशन शो होंगे वो सारे सेटिंग यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मोनिट इफेक्ट रखना या नहीं वो चीज़ कर सकते हो, और यहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हो किस टाइप का मोनिट होगा। तो मैंने ये वाला कर रखा है इसलिए आपको थोड़ा पंची कलर दिखाई दे रहा है, बाकी आप अपने हिसाब से कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। अनदर यहाँ पे कुछ स्पूफ के ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से प्ले स्टोर का बाय डिफॉल्ट फिक्स रहता है, तब कोई ये ऑन करने की जरूरत नहीं रहती, डिवाइस सर्टिफाइड रहता है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पे FPS वगैरह, फोटो स्टोरेज वगैरह, डिवाइस स्पूफ वगैरह ऐड किए गए हैं, जो कि आपके काफ़ी काम आने वाले हैं। बाकी यहाँ पे सिक्योर मोड के भी कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो, ऑन ऑफ कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। तो यहाँ पे भी भर भर के कस्टमाइजेशन आपको मिलता है, और थीम का सर्वर भी दिया गया है जो कि आप बदल सकते हो। अनदर डायलर से रिलेटेड आपको कस्टमाइजेशन मिल जाता है, जहाँ पे आप डायल पैड में बदलाव कर सकते हो, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, फुल स्क्रीन फोटो रखना है नहीं, मैक्सिमम ब्राइटनेस होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो। बाकी कुछ शॉर्टकट फीचर्स आपको मिलते हैं जो कि सिस्टम डिफॉल्ट वाले ही हैं, तो इनमें आपको चेंज करना है करो, नहीं करना मत करो। बट यहाँ पे जो स्टाइल मिलते हैं ना रियली में यार कूल हैं, और आपको फुल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। आपने MIUI OS 12 13 के टाइम पे यूज किया होगा इस टाइप के मोटिफिकेशन वाले कस्टम रोम वगैरह इस डिवाइस के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे हाइपर OS के अंदर देखने को मिल रहा है, जो कि एक बड़ी बात मैं कहूँगा कि है अभी के टाइम पे। और सेटअप कर देने के बाद यहाँ पे आप देखो कि नॉर्मली काम कर रहा है, लैग नहीं करता, बस हाँ सेटअप के टाइम पे आपको हल्का फुल्का फील होता है। और जो सेटिंग का UI है इसे भी आप बदल सकते हो, जो कि मैंने अभी तक चेंज नहीं करा है। अब यहाँ पे देखो मैंने सेटिंग के अंदर बदलाव किया है, जिसकी वजह से अब यहाँ पे थोड़ा MIUI टाइप का फील आने लग गया, हाइपर OS टाइप का फील आने लग गया। तो इस तरीके से आप बदल सकते हो, सिंपल सा लुक दिखाई दे रहा है जो कि स्टार्टिंग में कुछ ऐसा ही रहता है, और यहाँ पे भी आपको हल्का फुल्का बदलाव देखने को मिल रहा होगा, तो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है। और कंट्रोल सेंटर का तो मैंने अभी तक आपको शो ही नहीं किया है, जहाँ पे आप देखो कंट्रोल सेंटर में इस टाइप का स्टाइल मैंने ऑन कर रखा है, और ऐसे कई सारे स्टाइल दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे टोटल 7 है, आप यहाँ पे जैसे भी रखो वैसा रख सकते हो। कई सारे शॉर्टकट है टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आपको मिल जाता है। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, मोनेट इफेक्ट्स रखना है या फिर नहीं रखना वो चीज़ आप यहाँ पे बदल सकते हो, बिग टाइल्स वगैरह रखने हैं या नहीं रखने, जहाँ पे आप उनके शॉर्टकट को खुद से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो, यानी टैप के ऊपर टैप, टैप के ऊपर टैप, इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। यहाँ पे फुली एक्सपेंड रखना है या फिर नहीं रखना वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मीडिया टाइटल्स वगैरह आप खुद से चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अलग ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लेवल वगैरह आप चेंज कर पाओगे, और बाकी कंट्रोल वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, एडिट बटन रखना या नहीं, ये सारी चीज़ आपको मिलती है। और ये सब कुछ आपको चेंज दिखाई देगा आपके कंट्रोल सेंटर के अंदर, जहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल सेंटर का डिफरेंट सा यहाँ पे लुक आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बदल सकते हो, रियली में काफ़ी कूल है, बस आपको देखना है कैसा आप यहाँ पे रखना चाहते हो, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कंट्रोल सेंटर में बदलाव देखने को मिलेगा। तो बस चेंज करो और फुली मजे लो, अपना फेवरेट वाला जो भी आइकन आपको पसंद आता है वो आप यहाँ पे जो रख सकते हो। ये मैंने अभी स्टाइल 1 कर रखा है, अगर मैं 3 को चेंज कर दूँ तो यहाँ पे 3 के टाइप का यहाँ पे स्टाइल आपको देखने को मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर, जो कि कुछ इस तरीके से हो गया, और फिर उसे आप अपने हिसाब से रीअरेंज वगैरह भी है जो कर सकते हो। तो ये थे इसके ह्यूज कस्टमाइजेशन, लेकिन इसके बाद बात आती है कि भाई परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है।
क्योंकि चलो कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हद तक मेंटेन भी अच्छा किया गया है ताकि आपको ज़्यादा लैग देखने को ना मिले। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पसंद आई मुझे, बट एक्चुअली में परफॉर्मेंस क्या है वो देखते हैं। तो गैलरी की बात करें तो गैलरी में आपको बेसिक सेटिंग मिल जाता है, बाकी आप अपने गैलरी को खुद से अपडेट कर सकते हो, बाकी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और बैटरी ड्रॉप की बात करते हैं, 96 के बाद मॉर्निंग में आता है 95, फुल नाइट में ओनली 1% का बैटरी ड्रॉप है, जहाँ पे 7 hours 48 यानी 8 hours के आसपास का स्टैंड बाई टाइमिंग हमें देखने को मिलता है। एंड्रॉइड स्कोर ओवरऑल अच्छा है, कोई खास बुरा नहीं है तो कोई खास सुपर नहीं है, हाँ ओवरऑल ठीक है। वहीं पे गीकबेंच भी यहाँ पे मल्टी डाउन है, सिंगल भी हल्का डाउन है, जो कि ओवरऑल मैं कहूँ बेसिक से है, कोई खास नहीं है। और यहाँ पे आप देखो मैक्स 1,70,000 और मिनिमम 1,51,093 का परसेंटेज, जो कि स्कोर काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे अगर मैक्स की बात करें ये थोड़ा डाउनसाइड रहता है, यानी अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे कह सकते हैं। बूट लोडर लॉक का स्पूफ ऐड किया गया है, बहुत अच्छी बात है, डिवाइस आपका सर्टिफाइड रहता है, बैंकिंग ऐप आप यूज कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आती, ये आपको यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज मिलता है बाय डिफॉल्ट का। फिर से दोबारा मैंने चेक किया कि गीकबेंच कोई खास बिग इंप्रूवमेंट नहीं आया, ये सारे UI मैंने बदले थे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही शो कर दिया है। अनदर डे फिर से बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 53 के बाद मॉर्निंग में ये आ जाता है हमारा 52, यानी फिर से 1% का ही बैटरी ड्रॉप है, क्योंकि दो दिन से ये डला हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। और सेकेंड डे यानी दो दिन के बाद का ये टेस्टिंग रिजल्ट है आज का, 1,67,000 मैक्स और मिनिमम 1,52,000 है, 94 का परसेंटेज, यानी सिमिलर रिजल्ट है, बैलेंस पे रखा गया है, इसके परफॉर्मेंस को बूस्ट नहीं हुआ है ज़्यादा, जो कि मैं कहूँ ठीक है, कोई खास बुरा नहीं है, कोई खास अच्छा भी नहीं है। एंटीटू स्कोर के अंदर दो दिनों के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, जो कि ठीक ठाक है। गीकबेंच में यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी हद तक इंप्रूव हुआ है, टॉप नॉच नहीं है, मैंने कहा ना कि बैलेंस रखा गया है, परफॉर्मेंस को ज्यादा बूस्ट अप नहीं किया गया, तो ये भी चीज यहाँ पे सही है। बाकी यहाँ पे गेमिंग सेटिंग आपको एक्स्ट्रा अनलॉक मिल जाता है तो आप अपना देख लेना, बाकी फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिलेगा, बूट लोडर स्पूफ वगैरह आपको ये चीजें ऐड मिल जाती है, यानी हर एक जरूरत की चीजें यहाँ पे ऐड करी गई है। विजेट्स वगैरह आपका वर्किंग है, आइकन वगैरह आपका वर्किंग है, कैमरा आपका वर्किंग है, बस डिसाइड आपको करना है कि आप इसे डालना चाहते हो नहीं। और मेरी तरफ से तो भाई रिकमेंडेड है, क्योंकि अगर आप इसे रोम को डालते हो ना, आपकी जो पुरानी मेमोरी है वो भाई तरोताजा होने वाली है, क्योंकि इस टाइप का रोम आपने शायद एक लंबे टाइम पहले यूज किया होगा, उसके बाद से तो आप वही सारे सिंपल से चीज, थोड़े बहुत मोटिवेशन वाली चीज़ें आप यूज करते हुए आ रहे होगे, तो अपने हिसाब से यहाँ पे बदलो और यूज करो। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि यार रियली में ये रोम आपके डिवाइस में किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यार पसंद आया मुझे। इसे डालना बिल्कुल ही सिंपल और इजी तरीके का है, बस वाई फ्लैश फॉर्मेट कर देना है आपको रोम डालने के बाद, और आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। रोम फ्लैश करने के लिए पावर टर्न एंड वॉल्यूम आपको जो लॉन्ग प्रेस करेंगे फोन स्विच ऑफ करने के बाद, जिससे आपका फोन वाइब्रेट करेगा, लाइट अप होगा, तो हम पावर टर्न को लीव करेंगे, वॉल्यूम आपको होल्ड रखेंगे, आपके फोन का रिकवरी ओपन हो जाएगा। हमेशा या तो ऑरेंज फॉक्स या टी लॉक यूज करना, जो भी रिकमेंडेड किया गया है उसी का, कोई डिफरेंट रिकवरी मत यूज करना। जैसे रिकवरी ऑन होता है आप ब्राउज करना, अपने रोम को सिलेक्ट करना और स्वाइप कर देना, स्टार्टिंग में वाई फॉर्मेट वगैरह मत करना। और मे बी जब भी आप रोम फ्लैश करो तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्लैशिंग के दौरान कि आपको रूट करना या नहीं, तो ऐसे में आप वॉल्यूम अप डाउन या पावर बटन का यूज करते हुए कमांड को रन करते जाना, अगर आता है तो, अदरवाइज नॉर्मल फ्लैश होने देना। अगर स्टार्टिंग में फ्लैशिंग में कोई भी एरर आता है तो आप एक बार सिंपल क्या कर लेना, रिबूट टू रिकवरी कर लेना, और उसके बाद रूम को दोबारा रीफ्लैश कर देना। सम टाइम रिबूट टू रिकवरी करते समय आपके फोन का रिकवरी है जो वो चेंज हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, तो जो भी नया रिकवरी शो होगा उसी की हेल्प से आप रोम को दोबारा रिफ्लैश करना, और रिफ्लैश जैसे ही कंप्लीट होता है आप रिबूट टू रिकवरी कर लेना अगेन, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और उसके बाद सिंपल फॉर्मेट कर देना, यस टाइप करके और रिबूट कर देना। कुछ ही मिनट में आपका फोन है जो ऑन हो जाएगा, उसके बाद आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। बिल्कुल ही सिंपल और ईजी तरीका है, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है।